दोस्तों कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसने न जाने लाखों लोगों की जान ले ली है। ना सिर्फ कीमोथेरेपी बल्कि मेडिकल साइंस में कई सारी ऐसे इनोवेशन सामने निकल कर आई हैं जिससे कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, लेकिन फिर भी हम कैंसर के मरीजों की जान नहीं बचा पाते हैं। अब हाल ही में एक नई थेरेपी सामने आई है जिसमें इस चीज का दावा किया जा रहा है कि अगर आपने उस थेरेपी का इस्तेमाल किया तब आपके ना तो बाल झड़ेंगे और ना ही आपके जो कैंसर पेशेंट है, कैंसर मरीज है, उसकी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। अब इस थेरेपी का नाम क्या है और ये कैसे होती है, इसका ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका एंड यू आर वॉचिंग बोल्ड स्काई। कैंसर आज के समय की एक बड़ी और गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के मरीज दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर को सही समय पर पहचान होने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। ज्यादातर लोगों में कैंसर की पहचान तीसरे या चौथे स्टेज में होती है। इस समय में ये बीमारी शरीर में गंभीर रूप ले लेती है जिसकी वजह से इलाज में परेशानी आती है। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का सहारा लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज एक ऐसी मेडिकल रिसर्च में नई इनोवेशन सामने आई है जो कैंसर मरीजों के लिए रामबाण साबित हो सकती है। कैसे और क्या है ये थेरेपी, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। इस थेरेपी का नाम है प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी। जी हाँ, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक तरह की कीमोथेरेपी है। इसका इस्तेमाल आज के समय में ब्रिटिश राजकुमारी कैट मिडिलटन भी कर रही हैं। ब्रिटेन की शाही परिवार की बहू बीते कुछ समय से कैंसर से जूझ रही थी। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैंसर इलाज में वो प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी का सहारा ले रही हैं। अब ये होता क्या है और कैसे की जाती है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी को एडजुवेंट कीमोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। ये कीमोथेरेपी कैंसर को दोबारा पनपने से रोकने में मदद करती है। साथ ही प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी ऐसे मरीजों को दी जाती है जिनका कैंसर का इलाज पूरा हो चुका है। इस इलाज से दोबारा कैंसर होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम किया जा सकता है। वहीं प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी में दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो संक्रामक रोगों को नियंत्रित करते हैं। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी का प्रोसीजर सामान्य कीमोथेरेपी की तरह ही होता है, लेकिन इसमें होने वाले नुकसान और परेशानी दूसरी कीमोथेरेपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसके ज़रिए से शरीर में दोबारा कैंसर सेल्स के पनपने के खतरे को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही आपको बता दें कि प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी में एंटी मलेरियम दवाएँ, आइवरमेक्टिन समेत कई दूसरी तरह की दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? देखिए, कैंसर की बीमारी में प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के माध्यम से इलाज बहुत आसान माना जाता है। इसमें आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी में आपको एक एक्सपर्ट की निगरानी में इंजेक्शन के जरिए से दवाएँ लेनी होती हैं। आज के समय में प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी के जरिए ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, ल्यूकोमिया, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी के कैंसर का इलाज भी किया जा सकता है। वहीं प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी में मरीज की देखभाल अपेक्षाकृत कम करनी पड़ती है, यानी कि दूसरी कीमोथेरेपी के कंपैरिजन में आपको मरीज की देखभाल जो है वो कम करनी पड़ेगी। आपको बार बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, साथ ही इसके साइड इफेक्ट और नुकसान भी बेहद कम होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बोल्ड स्काई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।